दोस्तों ये वीडियो काफी ज्यादा वियर्ड होने वाली है क्योंकि आज हम बात करेंगे एक ऐसी कोरियन हॉरर मूवी के बारे में जिसपे एक डीमन लड़कियों को रात के टाइम आके असॉल्ट करता है और इस मूवी का नाम है अ टच ऑफ अनसीन। IMDb ने इसे 5.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स दी है और इस मूवी की कहानी ज्यादा घुमाओ फिराओ नहीं है। हम लोग देखेंगे एक लड़की को जिसे अचानक ही डीमन आकर परेशान करने लगेगा और फिर उस लड़की की मदद करेगी उसकी दोस्त और उसकी बहन। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि अब हम देखने जा रहे हैं अ टच ऑफ अनसीन मूवी की एक डिमोनिक कहानी। तो ये कहानी शुरू होती है एक लड़की को दिखाते हुए जिसका नाम है युनसू, जो रास्ता भटककर एक अजीब जगह पहुंच गई थी और वहां पर उसे एक घर में एक काली छाया दिखाई देती है और दोस्तों वो छाया थी एक डीमन जो अब युनसू के पीछे लग जाएगा। खैर हमें पता चलता है कि युनसू अपनी बहन युनही के साथ रहती है और उन दोनों के मम्मी पापा एक कार एक्सीडेंट में अभी हाल ही में मारे गए हैं। अब होता यह है कि उस रात को वो डीमन आता है और युनसू के साथ उसकी नींद में इंटीमेट होता है। अगले दिन युनसू अब डर गई थी तो वो जाती है एक शमन के पास और शमन युनसू को बताती है कि तुम्हारे पीछे इनकमस डीमन लग गया है। और दोस्तों ये एक ऐसा डीमन होता है जो लड़कियों के साथ रात में बुरी चीजें करता है। शमन बोलती है कि वो डीमन अब जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहेगा और अगर तुमने उसकी बात नहीं मानी तो वो तुम्हें मार डालेगा, और अगर तुमने उसकी बात मानकर उसके साथ पक्का वाला रिश्ता बना लिया तो वो डीमन तुम्हें फिर भी मार डालेगा। कहने का मतलब वो डीमन जब ही युनसू का पीछा छोड़ेगा जब वो मारी जाएगी। पर बात इतनी सी नहीं थी क्योंकि शमन के हिसाब से युनसू की बहन युनही को भी अब उस डीमन से खतरा था। अब यहाँ से सीन जाता है 3 साल आगे और हम लोग देखते हैं युनसू की बहन युनही को जो अब कॉलेज में पढ़ती है। युनही की एक दोस्त थी सीयोन और हमें पता चलता है कि युनही थोड़ी फाइनेंशियली वीक चल रही है क्योंकि दोस्तों वो अब अपनी बहन के साथ नहीं रहती, पर क्यों ये हमें आगे पता चलेगा। अब क्लास के दौरान युनही को बुलाता है उसका एक प्रोफेसर और उसे लगता है कि उसे एक इंटर्नशिप मिल गई है और इसलिए वो खुश हो जाती है। पर इंटर्नशिप की जगह युनही ऑफिस में जाकर मिलती है हाक चियोल से, जो असल में युनही का एक्स बॉयफ्रेंड है। अब प्रोफेसर बोलता है युनही को हाक चियोल की पढ़ाई में मदद करने के लिए क्योंकि पिछले 3 सालों से हाक चियोल आर्मी में था और अब वो पढ़ाई के लिए वापस आ गया है। पर दोस्तों युनही साफ मना कर देती है। खैर थोड़ी देर बाद हाक चियोल युनही से क्लास में आके बात करता है और युनही हाक चियोल को बिल्कुल इग्नोर कर रही थी क्योंकि दोस्तों हाक चियोल एक अच्छा लड़का नहीं है। वो बिल्कुल साइको है, ऑब्सेसिव है और युनही के लिए पागल था वो। पर ये सब युनही अच्छे से जानती थी और इसलिए वो उससे दूर ही रहती थी। युनही ये सब कुछ जाकर अब सीयोन को क्लास के बाद बताती है और सीयोन भी युनही को हाक चियोल से दूर रहने के लिए ही बोलती है। पर हाक चियोल अब युनही को स्टॉक करने लगता है। युनही अब आगे काम पे थी जब हाक चियोल उसकी दुकान के सामने आ जाता है और वो डर जाती है। वो घर जा रही थी तब भी उसे ऐसा लगता है कि हाक चियोल उसका पीछा कर रहा है और तभी हाक चियोल उसके सामने आ जाता है। हाक चियोल युनही से फ्लर्ट करने लगता है और उसे याद दिलाता है कि कैसे उन दोनों का रिलेशन स्टार्ट हुआ था। पर युनही को ये सब कुछ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हाक चियोल साफ बोल देता है कि चाहे युनही उससे कितना भी दूर रहे या फिर उसे इग्नोर करे वो उसे पाकर ही रहेगा, जिससे डर कर युनही वहां से भाग जाती है। अब उस रात को युनही पुरानी बातें याद करती है और हमें पता चलता है कि हुआ क्या था। असल में रिलेशन होने के बाद युनही और हाक चियोल इंटीमेट हुए थे और वो युनही का पहला इंटीमेसी वाला एक्सपीरियंस था जिससे हाक चियोल को और ज्यादा अच्छा लगा था। पर असल में उस रात को युनही ने हाक चियोल से वादा लिया था कि वो उसे कभी भी छोड़कर नहीं जाएगा। पर अगले ही दिन जब युनही सोकर उठी तो हाक चियोल जा चुका था, जिससे युनही समझ गई कि हाक चियोल कैसा लड़का है। ये सब याद करने के बाद युनही नहाकर सो जाती है। पर आज रात को उसके साथ होता है कुछ डिमोनिक। सोते टाइम उसके बेड में कोई आ जाता है, चादर उतार देता है और युनही की नींद में ही उसके साथ इंटीमेट होता है, जो युनही को पता तो चल रहा था पर उसकी आंख नहीं खुल रही थी, जैसे कि वो अपना होश ही खो बैठी हो।
नेक्स्ट डे वो सोकर उठती है तो ऑब्वियसली उसे होश आता है कि रात को कुछ हुआ था और इसलिए वो अपना घर तुरंत चेक करती है पर घर में कोई नहीं मिलता। और तभी यूनी को याद आता है कि कल रात एक पल के लिए उसने अपने ऊपर एक लड़के की छाती को देखा था। यूनी को अब उसी वक्त खिड़की के बाहर दिखाई देता है हाक चियोल, जिससे यूनी डर जाती है और उसे लगता है कि कल रात को हाक चियोल ने उसके साथ वो सब किया होगा, पर अगले ही पल हाक चियोल गायब हो गया था। सीन यहाँ से जाता है युनसू पे, जो ऑफिस में काम कर रही थी। युनसू आज जब काम के बाद अपनी एक दोस्त से बात करती है तो उसकी दोस्त उसे बताती है इनकमस डीमन के बारे में और कैसे वो डीमन युनसू की वो जो दोस्त थी उसकी एक दोस्त को रात में परेशान कर रहा है। युनसू की दोस्त के हिसाब से ज्यादातर लड़कियों को उस डीमन से कोई भी दिक्कत नहीं होती और वो अपनी जिंदगी आराम से उस डीमन के साथ गुजार लेती है, पर युनसू ये सब ऑलरेडी से जानती थी क्योंकि वो डीमन ऑलरेडी युनसू के साथ चिपका हुआ था 3 सालों से। अब हमें ये भी आगे पता चलता है कि युनसू उस डीमन को पसंद नहीं करती और इसलिए रात में उसे नींद नहीं आती थी और वो दिन में इधर उधर कॉफी शॉप्स में सोया करती थी। खैर अगले दिन दिखाते हैं युनही की दोस्त सी ऑन को, जिसके पास आ जाता है हाक चियोल क्योंकि आज कॉलेज में युनही नहीं आई थी। हाक चियोल डिमोनिक तरीके से सी ऑन से युनही के बारे में पूछता है पर सी ऑन डर के वहां से भाग जाती है। खैर सियोन को भी अपनी दोस्त की चिंता थी इसलिए सियोन उससे मिलने के लिए जाती है। यूनी घर का दरवाजा भी नहीं खोलती तो सियोन स्पेयर चाबी से दरवाजा खोलकर अंदर घुसती है और जब सियोन अंदर देखती है तो उसे मिलती है यूनी डिप्रेस्ड हालत में चादर में लिपटी हुई। सियोन को समझ नहीं आता कि वो क्या करे तो वो तुरंत युनही की बहन को फोन लगा देती है और युनसू को जैसे ही ये खबर मिलती है वो सारा काम धंधा छोड़कर युनही को मिलने के लिए पहुंच जाती है। युनसू अब जब घर आती है तो उसे पता नहीं चलता कि युनही के साथ क्या हुआ क्योंकि युनही सिर्फ सो रही थी और उसने हॉस्पिटल जाने के लिए भी मना कर दिया था। खैर अब तभी घर पर आ जाता है हाक चियोल, जो मिलता है युनसू और सियोन से और ऑब्वियसली वो दोनों लड़कियां हाक चियोल को युनही से नहीं मिलने देते और बड़ी बहन होने के नाते युनसू हाक चियोल को बाहर बात करने के लिए ले जाती है। अब रात के टाइम पे युनही सोकर उठती है और जब उसे सियोन बताती है कि उसकी बहन भी वापस आ गई है तो युनही को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वहीं दूसरी तरफ युनसू हाक चियोल को धमकियां देती है और उसे बोलती है कि मेरी छोटी बहन से दूर ही रहना वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। पर हाक चियोल युनसू की बातों का उल्टा जवाब देकर उसे बोलता है कि मैं युनही को कभी भी नहीं छोड़ूंगा। अब रात में एक बार फिर से वो डीमन युनही पे हावी हो जाता है। उस टाइम पे सियोन भी ये सब देख लेती है और क्योंकि सियोन युनसू से फोन पे बातें कर रही थी तो युनसू को भी सब कुछ पता चल जाता है। युनसू अपनी बहन को बचाने के लिए तुरंत भागती है और वही सियोन युनही को जगाकर डीमन से उसे बचा लेती है। पर युनही को अब यकीन हो जाता है कि या तो वो पागल हो रही है या फिर इस घर में कोई भूत है। खैर अब घर पहुंचती है युनसू और युनही जब अपनी बड़ी बहन को देखती है तो वो हो जाती है गुस्सा। युनसू अब युनही से माफी मांगती है और अब हमें पता चलता है कि 3 साल पहले युनसू युनही को एक दिन अचानक से ही छोड़कर चले गई थी और उसी के बाद से वो दोनों बहनें अलग अलग हैं। इतना ही नहीं, पास में युनसू ने युनही को ये भी नहीं बताया था कि वो जा क्यों रही है और यही वजह है कि दोनों बहनों ने एक दूसरे से 3 सालों में बात करी ही नहीं थी और इतने सालों बाद अपनी बहन को देखकर युनही गुस्सा थी। खैर वो दोनों ही बहनें एक दूसरे से प्यार करती थी और आज रात भागते भागते युनसू के पैर में चोट लग गई थी जिसका पता लगते ही युनही रोने लगती है। वो दोनों बहनें फाइनली रियूनाइट हो जाती है और युनसू वादा करती है कि वो युनही को छोड़कर फिर से कभी नहीं जाएगी। अब आगे युनसू अपनी बहन को घर पे ले जाती है ताकि हाकची और या फिर कोई और चीज युनही को परेशान ना करे। वो दोनों उस रात सोते हैं पर तभी लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और हम लोग समझ जाते हैं कि वो डीमन यहाँ पर भी आ चुका है। अगले दिन अब जब युनही सोकर उठती है तो उसे देखकर युनसू के होश उड़ जाते हैं क्योंकि अचानक ही युनही का पेट फूल गया था और अब यहाँ पर युनसू समझ गई थी कि उसकी बहन के पीछे भी इनकमस पड़ गया है और शायद युनही के पेट में अब उसी डीमन का बच्चा था। वहीं दूसरी तरफ हाक चियोल युनही के घर में खिड़की से घुस जाता है जहां पे अब उसे ऑब्वियसली युनही नहीं मिलती।
वो अब इस बारे में जाकर कॉलेज में सियोन से बात करता है, पर सियोन भी हाकचियोल को कुछ भी नहीं बताती कि युनही कहां पर है। पर हाकचियोल करता यह है कि वो सियोन का फोन चुरा लेता है और फोन में से हाकचियोल को मिल जाता है युनही का नया एड्रेस। हाकचियोल अब पहुंच जाता है दोनों बहनों के घर और वो एक लॉकस्मिथ से ताला तुड़वा कर घर में भी घुस जाता है और फिर वो पूरे घर में हिडन कैमरा फिट कर देता है ताकि वो युनही पे 24 घंटे नजर रख सके। अब उस दिन युनही और युनसु आए हुए थे डॉक्टर के पास और डॉक्टर चौंक गया था क्योंकि युनही का पेट तो फूला हुआ था पर पेट में बच्चा नहीं था। डॉक्टर बोलता है कि शायद युनही को कोई और बीमारी है जिसके लिए वो उसको कुछ और टेस्ट वगैरह लिख देता है। और वही दूसरी तरफ सियोन मिलने आती है युनही से और वो चौंक जाती है क्योंकि दरवाजा ऑलरेडी खुला हुआ था। थोड़ी देर बाद अब घर पे दोनों बहनें वापस आ जाती है और सियोन बताती है कि आज उसके साथ क्या क्या हुआ। पर अब दूसरी तरफ डिमोनिक हाकचियोल कैमरे से पूरे घर पे नजर रखे हुए था और वो ठरकियों की तरह युनही को घूरे जा रहा था। खैर युनसु को उस दिन काम पे जाना पड़ता है और घर पे युनही की देखभाल करने के लिए रुकती है सियोन। रात होती है और सियोन थककर सो जाती है और तभी कमरे में आ जाता है इनकबस। वो डीमन युनही की पैंट्स उतारकर उसको एक बार फिर से असॉल्ट करना स्टार्ट कर देता है। और दोस्तों जब भी वो डीमन ऐसा करता था तो लड़कियां होश खो बैठती थी, पर आज ये सब कुछ हाकचियोल कैमरे में देख लेता है और वो तुरंत युनही को बचाने के लिए भागता है। वो अपार्टमेंट पहुंचकर घर में बिना पूछे घुस जाता है और हाकचियोल को वहां देखकर सियोन भी चौंक गई थी। हाकचियोल अब एक चाकू उठाकर जाता है युनही के पास और से लग रहा था कि कमरे में कोई आदमी होगा, पर हाकचियोल को वहां पे कोई भी नहीं मिलता और युनही भी बेहोश हो गई थी। हाकचियोल अब युनही को उठाने के चक्कर में उसका फूला हुआ पेट देख लेता है और वो पेट देखकर हाकचियोल को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो डिमोनिक बातें करने लगता है और बेहोश युनही को ही मारने की धमकियां देने लगता है। सियोन हाकचियोल को जाने के लिए बोलती है, पर फिर गुस्से में हाकचियोल पूरे घर में उस आदमी को ढूंढने लगता है जिसे वो ढूंढने के लिए आया था। इस भगदड़ में सियोन युनसु को फोन मिला देती है और युनसु पुलिस को लेकर वहां पे आ जाती है और पुलिस सब कुछ ठीक कर देती है। पुलिस हाकचियोल को पकड़कर ले गई थी और युनसु अपनी बहन को संभाल रही थी, पर अब ये साफ था कि उन्हें कुछ करना होगा जल्दी से जल्दी इससे पहले कुछ बुरा हो जाए। अब नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट के टाइम युनसु को फोन आता है हाकचियोल का। युनसु हाकचियोल को बोलती है कि मेरी बहन से दूर रहो, पर हाकचियोल बोलता है कि पुलिस ने मेरे को 30 दिन के लिए छोड़ दिया है जब तक कोर्ट का ट्रायल शुरू नहीं होता और अब तुम देख लेना क्योंकि 30 दिन में मैं कुछ भी कर सकता हूँ, जिससे युनसु पूरी तरीके से डर जाती है। हाकचियोल फोन पे बोल रहा था कि जिसने भी युनही को प्रेग्नेंट किया है वो उसे ढूंढ कर मार डालेगा, पर वो बेचारा नहीं जानता था कि वो एक डीमन है। अब उस रात को युनसु जब काम से घर आती है तो उसके पीछे पीछे हाकचियोल भी आ गया था। तीनों लड़कियां हाकचियोल से बचने की कोशिश करती है, पर हाकचियोल चाकू के बल पे घर में घुस जाता है और अब वो तीनों लड़कियों की तरफ बढ़ता है। यहाँ पे अब हाकचियोल को शांत करने के लिए युनही बोलती है कि प्लीज शांत हो जाओ और मैं तुमसे रिलेशन कर लूंगी, पर हाकचियोल बोलता है कि अब मैं सबको मार दूंगा ताकि अगले जन्म में हम दोनों साथ हो सके। पर तभी युनसु हमला कर देती है हाकचियोल पे। हाकचियोल और युनसु अब लड़ते हैं, पर लड़ाई में सियोन हाकचियोल के सर पे बेस फोड़कर उसे गिरा देती है। इस लड़ाई के एंड में हाकचियोल युनही को पकड़ ही लेता है और वो उसे मारने ही वाला था, पर तभी एक चाकू अपने आप जमीन पे खड़ा हो जाता है और हाकचियोल उस चाकू के ऊपर गिर जाता है और इंस्टेंटली बेहोश हो जाता है। तीनों लड़कियां बच जाती है और पुलिस बुला लेती है और अब सीन अगले दिन पे जाता है जहां पे दोनों बहनें परेशान थी। हमें पता चलता है कि हाकचियोल अब हॉस्पिटल में है पर उसकी कंडीशन क्रिटिकल है और यहाँ पे युनही युनसु को बोलती है कि इनकबस डीमन ने कल रात को उसकी जान बचाई। और दोस्तों अब युनही को लग रहा था कि अगर उसने इस डीमन के बच्चे को पैदा कर दिया तो वो डीमन उसे मार के अपने साथ ले जाएगा। अब इस बात का पता तो युनसु को था नहीं और इसलिए उस रात को युनसु फिर से जाती है शमन के पास।
युंसु शमन को बताती है कि डीमन ने अब उसकी बहन को भी असॉल्ट करना स्टार्ट कर दिया है और अब उसकी बहन प्रेग्नेंट है। और शमन बोलती है कि बच्चा पैदा होते ही डीमन युधि को मार डालेगा। अब डीमन को रोकने का एक ही तरीका शमन बताती है, पर उसी के साथ हमें पता चलता है कि असल में पास्ट में युंसु युधि को छोड़कर इसलिए ही गई थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो डीमन उसकी छोटी बहन के भी पीछे पड़ जाए। और अपनी बहन से युंसु ने उस डीमन को 3 साल तक दूर रखा, पर एंड में वो डीमन वापस आ ही गया और उसने उसकी बहन को भी पकड़कर अब प्रेग्नेंट कर दिया है। खैर, अब आज रात शमन करती है एक बड़ा रिचुअल जिसमें वो डीमन को युधि के शरीर से अलग कर देगी, पर उस सब के बदले डीमन को कुछ देना होगा और वो जो चीज है वो देगी युंसु। युंसु अब जाती है दोस्तों उसी वाले घर में जहां पे पहली बार मूवी की स्टार्टिंग में उसने इनकबस डीमन को देखा था। वहां पे जाके युंसु स्टार्ट करती है एक रिचुअल, कुछ मोमबत्तियां जलाती है और इनकबस डीमन को समन करती है। वो डीमन को बोलती है कि आज रात मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। कहने का मतलब युंसु अब डीमन को अपने साथ पूरी तरीके से ज्वाइन कर लेगी और बदले में वो डीमन से उसकी बहन की जान मांगती है। वो डीमन मान जाता है और अब उस रात को डीमन और युंसु एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं, पर इंटीमेसी खत्म होते ही युंसु मारी जाती है। वही अगली सुबह युधि जब सोकर उठती है तो उसका पेट नॉर्मल हो गया था और वो बहुत ज्यादा खुश थी, पर अब आज के बाद से युधि को कभी भी ये नहीं पता चलेगा कि उसकी बहन कहाँ पे है, क्योंकि उसकी बहन तो दूर किसी घर में मरी पड़ी थी। सीन जाता है अब यहाँ से 2 साल आगे, जहाँ पे युधि की जिंदगी अब बहुत अच्छी चल रही थी कि आज उसे एक और बार फिर से हाकचियोल दिखाई देता है जो ठीक होकर वापस आ गया था, पर अगले ही पल वो गायब हो जाता है और युधि डर जाती है। मतलब अब उसे एक बार फिर से उस साइकोपैथिक लड़के का सामना करना पड़ेगा, पर उसके साथ क्या होगा ये हमें पता नहीं चल पाता क्योंकि मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन अ टच ऑफ अनसीन मूवी की, और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी पसंद आई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवी देखनी है तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। मेरे फेसबुक पेज का लिंक, बाकी सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, तो अगर आप लोग मेरे से जुड़ना चाहते हो और मेरे से बात करना चाहते हो तो वहाँ पे फॉलो जरूर कर सकते हो क्योंकि मैं वहीं पे लोगों के ज़्यादा रिप्लाई करता हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि इन्हीं चीज़ों में को हेल्प मिलती है। और मैं आप लोगों से मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।